हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गाय के ऊपर एक प्यारा सा निबंध कैसे लिखें। चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि गाय का दूध और जानवरों की अपेक्षा अधिक प्रोटीन वाला होता है। गाय का दूध दिमाग को तेज करने और मजबूत बनाने के लिए बहुत उपयोगी होता है, खासतौर पर बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। दूसरे पशुओं की तुलना में गाय का दूध बहुत मददगार साबित होता है। बच्चों को विशेष तौर पर गाय का दूध पिलाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि भैंस का दूध जहां सुस्ती लाता है, वहीं गाय का दूध बच्चों में चंचलता बनाए रखता है। यह बीमारों और बच्चों के लिए बहुत यूजफुल आहार माना जाता है। इसके अलावा दूध से कई तरह के पकवान बनते हैं। गाय के दूध से दही, पनीर, मक्खन और घी भी बनता है। गाय का घी और गोमूत्र अनेक आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने के काम भी आता है। गाय वफादार, घरेलू और मासूम पालतू जानवरों में से एक है। यदि गायों से प्यार किया जाए तो वे इंसानों को हानि नहीं पहुंचाती हैं। इससे लोग अपने घरों में गायों को रखते हैं और तमाम तरह के लाभ प्राप्त करते हैं। वे मनुष्यों के लिए अलग अलग प्रकार से उपयोगी होती हैं। गायों को पालतू जानवर के रूप में रखने के कई उद्देश्य लोगों के लिए समान है, चाहे वो आम लोग हो या किसान हो। गायों के अलग अलग विशिष्ट लाभ हैं, जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि वे मानव जाति की मदद के लिए किस प्रकार का काम कर रही हैं। गाय का गोबर फसलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण खाद माना जाता है। गाय के मरने के बाद उसका चमड़ा, हड्डियां और सींग सभी अंग किसी न किसी काम आते हैं। ऐसा माना जाता है कि भैंस का दूध पीने के बाद बच्चा सो जाता है, जबकि गाय का बच्चा अपनी माँ का दूध पीने के बाद उछल कूद करता रहता है। गौ माता न सिर्फ अपने जीवन में लोगों के लिए उपयोगी होती हैं, बल्कि मरने के बाद भी उनका शरीर का हर अंग किसी न किसी काम जरूर आता है। गाय का चमड़ा, सींग, खुर से डेली जीवन उपयोगी वस्तु तैयार होता है। गाय की हड्डियों से निर्मित खाद खेती के काम भी आती है। साइंटिस्ट ने यह गुण भी बताए हैं, केवल दूध, दही, मक्खन, पनीर, छाछ या अन्य बल्कि डेयरी उत्पाद भी सभी फायदेमंद होते हैं। पनीर खाने से आपको प्रोटीन मिलता है, गाय का घी खाने से आपको मजबूती प्राप्त होती है। आयुर्वेद में इसका बहुत विशाल महत्व है। यदि किसी व्यक्ति को नींद कम आती है तो वह गाय का घी के 2-3 बूंद से ही ठीक हो सकता है। साथ ही यदि आप रात को पैरों के तलों पर घी लगाकर सोते हैं तो आपको काफी अच्छी नींद भी आती है। गाय के मक्खन का धार्मिक महत्व है। इसे हवन, पूजा आदि के लिए भी प्रयोग किया जाता है। गाय का स्वभाव बहुत शांत प्रकार का होता है। गाय पालतू होती है। गाय एक शाकाहारी पशु है। गाय घास, अनाज, भूसी, केक, भूसी, चोकर और फूल और पेड़ों की पत्तियां आदि ग्रहण करती है। गाय पहले चारे को निगल लेती है और फिर थोड़ा उसे मुंह में लेकर चबा लेती है, जिसे चबाना कहते हैं। गाय एक बार में ही एक बछड़े को जन्म देती है। पशुओं में गाय सबसे ज्यादा सुनहरा और शानदार पशु कोई देखने को नहीं मिलता। इनके जैसे मासूमियत और किसी पशु में देखने को नहीं मिलती है। गाय कई रंगों जैसे सफेद, काली, लाल, बादामी और चितकबरी, इसके अलावा और भी प्रकार की हो सकती हैं। इनकी 2 मासूम आंखें, 2 बड़े कान, 4 पैर, 1 मुंह, 1 बड़ी नाक, 4 अंग और पीठ पर 1 लंबी पूंछ होती है। उम्र और नस्ल के आधार पर इनके सिर पर 2 सींग भी हो सकते हैं। गायों के शरीर का आकार आमतौर पर बड़ा होता है, जबकि उनका सिर उनके शरीर के आकार की तुलना में काफी छोटा होता है। गाय एक मादा शाकाहारी स्तनपाई है। पुरुषों को बैल के रूप में जाना जाता है। इसी तरह गाय के मादा बच्चे को बछिया कहा जाता है, जबकि गाय के नर बच्चे को बछड़ा कहा जाता है। गाय का धार्मिक महत्व। भारत में गाय को देवी का दर्जा दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। यही कारण है कि दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर गायों की विशेष पूजा की जाती है और उनको मोर पंखों आदि से सजाया जाता है। प्राचीन भारत में गाय समिति का प्रतीक मानी जाती थी। कहा जाता था कि युद्ध के दौरान सोना, चांदी या भूषण के साथ गायों को भी लूट लिया जाता था। जिसके राज्य में जितनी ज्यादा गाय होंगी उसका राज्य उतना ही संपन्न और सफल माना जाता था। कृष्ण के गाय प्रेम को भला कौन नहीं जानता, इसी कारण उनका एक नाम गोपाल भी है। श्री कृष्ण के जीवन में गाय का बहुत महत्व रहा है।
और उनका बचपन ग्वालों के बीच ही बीता है। लोग भगवान कृष्ण को गोविंदा और गोपाल कहते हैं, जिसका अर्थ है गायों का रक्षक और मित्र। गाय का दूध बच्चों और रोगियों के लिए बहुत उपयोगी होता है। गाय को परिवार के सदस्य की तरह ही माना जाता है। प्राचीन काल में गायों की संख्या से व्यक्ति की समृद्धि का पता चलता था। गाय का भोजन। शाकाहारी और जुगाली करने वाले जानवरों के रूप में गाय जैसे ताजा और बेहतरीन अंकुरित अनाज खाना पसंद करती है। वे फल, सब्जियां और अन्य शाकाहारी भोजन भी खाना पसंद करते हैं। गाय का स्वभाव। गौ माता ज्यादातर सामाजिक होती हैं, इसलिए इन्हें समूह में रहना पसंद है। इन्हें घूमते रहने में बहुत अच्छा लगता है। इन्हें घूमने के लिए खुली जगह पसंद होती है, जहाँ इनके खाने के लिए ढेर सारी घास मौजूद हो। वे मैदानी इलाकों में घूमते और अपने आहार के पूरक के लिए अपने नवजात शिशुओं के लिए दूध का उत्पादन करने के लिए अतिरिक्त घास के रूप में अधिक घास खाती हैं। एक गाय का एक एवरेज जीवन साल लगभग 15 से 20 वर्ष होता है। हालांकि डेयरीज और खेतों में गाय का मुश्किल से 4-5 सालों तक जीवित रह पाती हैं, क्योंकि पर्याप्त दूध देने या अधिक परिश्रम करने के लिए उन पर अत्यधिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। एक बार जब दूध का उत्पादन कम हो जाता है या बंद हो जाता है, तो ज़्यादातर गायों का मांस और चमड़े के लिए बूचड़ खानों में बेच दिया जाता है या सड़कों पर घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे उनके साथ दुर्घटनाएं होती हैं और उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताएं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।